लोकसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी हैं और अब शनिवार को ही तारीखों का ऐलान भी होना है। लेकिन इस बीच बीजेपी के एक मौजूदा सांसदों को इन दिनों भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को जब सलीमपुर के बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा प्रचार के लिए निकले तो सड़क पर ही जनता ने उन्हें घेर लिया और सांसद की गाड़ी के सामने खड़े होकर सांसद के खिलाफ नारेबाजी कर अपनी नाराजगी जाहिर की। कुशवाहा ब्राह्मण गांव के ग्रामीणों ने इस इलाके में सड़क के निर्माण नहीं होने पर ये विरोध जताया। पोस्टर में आप साफ साफ देख सकते हैं जिसमें लिखा है रोड नहीं तो वोट नहीं। इसी के साथ लोगों ने मोदी योगी से बैर नहीं रविंद्र कुशवाहा तुम्हारी खैर नहीं के जमकर नारे लगाए। भारी विरोध देख सांसद रविंद्र कुशवाहा को अपना रास्ता बदलना पड़ा। अभी सांसद के इस विरोध की चर्चा जोरों पर ही थी कि अभी एक और नया वीडियो सामने आ गया जिसमें एक फौजी ने सभी के सामने बीजेपी सांसद के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। फौजी ने इलाके के विकास कार्यों को लेकर सांसद से आवेदन किया था जिसके जवाब में सांसद ने बताया कि शासन को भेज दिया गया है और जल्द ही कार्य पूरा हो जाएगा। लेकिन अगले ही क्षण फौजी ने कुछ ऐसा दिखाया कि बीजेपी सांसद की बोलती ही बंद हो गई। तब तक हमारा 5 महीने के बाद से तो ये खत्म हो जाएगा। जो हमारे साथ तो नहीं रहेगा। कहने का नहीं, ये लगातार झूठ बोलने का है। देखा आपने, दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी सांसद सिकंदरपुर में वोट मांगने गए थे। इस दौरान ये वाक्या हुआ। इस तरह से इन दिनों बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कोई उसमें दिक्कत नहीं है, विकास के सारे काम पूरे होंगे, काम चालू है। विकास के नाम पर ही मोदी जी 2014 में विकास और परिवर्तन के नारे के साथ आए थे और 10 साल से बहुत सारे विकास काम हुए हैं। कुछ बाकी हैं, वो भी सारे काम पूरे। अगर यही हाल रहा और बीजेपी ने जल्द कुछ नहीं किया तो आगामी चुनाव में सलीमपुर सीट से बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। वैसे तो बीजेपी ने रविंद्र कुशवाहा पर ये तीसरी बार भरोसा जताया है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।